मध्य प्रदेश साहित्य और सांस्कृतिक विभाग द्वारा सांप्रदायिकता के विरुद्ध आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से स्वर्गीय श्री लाड़ सिंह गुजर की स्मृति में नगर पोलाय कला के बस स्टैंड पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने शिरकत की। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद काव्य पाठ करने वाले सभी कवियों का नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन राजकुमार ने स्वागत किया। वही कवित्री हेमा बुखारिया ने सरस्वती वंदना में ही लोगों का मन मोह लिया। कवियों द्वारा गीत गजल के माध्यम से हेमा बुखारिया निवाड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था, बालिकाओं पर बढ़ते अपराध तथा रेप की घटना के बारे में कविता के माध्यम से सरकारों पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। हमारे पास हाथ से रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, तो वहाँ पर कोल्हू से गन्ना रस निकालने वाला वहीं पर नवीन पात्र ने नागरिकों को हास्य व्यंग की रचनाओं का कविता पाठ करके नागरिकों को लोटपोट कर दिया। तो स्वर्गीय लाड़ सिंह गुजर के पुत्र कवि डॉक्टर ऋतुराज गुजर ने लाड़ सिंह जी की प्रसिद्ध मालवी कविता पापा घर कब आओगे को सुनाकर लाड़ सिंह जी की याद ताजा कर दी। वहीं देश के ख्याति प्राप्त कवि रामेंद्र मोहन त्रिपाठी आगरा ने भाईचारा का संदेश दे करके गजल के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखकर इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने का कविता के माध्यम से संदेश देकर साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गांधी जी का पाठ पढ़ाकर सरकारों पर बरसे। वही कवि सम्मेलन देर रात तक चलता रहा। न्यूज इंडिया 9 पोलाय कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट।